नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आपका अपने पार्थ एजुकेशन परिवार में स्वागत करते हुए तुरंत आपको एक जल्दी से सनसनीखेज न्यूज बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सनसनीखेज न्यूज। जो आपने देखा था कि शिक्षा मित्रों ने 69,000 वैकेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगहों पर ये कहा भी जा रहा था कि उस शिक्षा मित्रों के केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक बहुत दिलचस्प मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है। जी हाँ, उसमें उन्होंने सरकार से एक नोटिस जारी करके कुछ विषय वस्तुओं पर अपने उत्तर दाखिल करने के लिए कहा। और उसी में देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन है। स्क्रीन में दोस्तों आप देख सकते हैं, साफ साफ पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है जो अभी के अभी उनका पूरा का पूरा जजमेंट अपलोड किया गया है। उसमें हाउ मेनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट एंड हाउ मेनी शिक्षा मित्र अपियर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कितने शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में और कितने शिक्षा मित्र जो सिलेक्शन प्रोसेस में भागीदार हैं। हाउ मेनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45% मार्क इन जनरल कैटेगरी और मोर देन 40% मार्क इन रिजर्व कैटेगरी, मतलब जो शिक्षा मित्र 45% अंक अर्जित कर पाए हैं इस बार और जिन्होंने जो जनरल कैटेगरी के हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनमें से कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 40% रिजर्वेशन में आ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इस 69,000 वैकेंसी को फंसाने वाला है। शायद ये 69,000 वैकेंसी अब बहुत अपने लंबे प्रोसेस से गुजरने वाली है। द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 45% और 40% मार्क्स एज स्टेट एवब, इसका मतलब है जो शिक्षा मित्र इस 69,000 भर्ती परीक्षा में 45% जनरल कैटेगरी वाले या 40% ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी सीट रखी जाएगी। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है जो अभी अभी शिक्षा मित्रों के तरफ से जो दाखिल किया गया था उसमें है। अब इसके बाद दोस्तों, जी हाँ, इसके बाद 14 जुलाई आप नीचे देख सकते हैं सबसे लास्ट में 14 जुलाई 2020 की नई डेट लगी है। मतलब अब यह 69,000 भर्ती परीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही संचालित हो सकती है। अब इस पे देखना यह है कि हुई धांधली, जो आप सब जानते हैं, 140-135 अंक जिनके एक एक पिता के तीन संतानें और साथ ही साथ जो 91-92 नंबर यूपी टेट में अर्जित करके आए थे उनके भी 140 मार्क, ऊपर से शिक्षा मित्रों के लिए कोर्ट का यह डिसीजन रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वैकेंसी 60-65 जो कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का ऑर्डर हुआ था, आपने देखा था, उस पर लगभग हमारी गवर्नमेंट कराने जा रही थी। लेकिन अब एक ही वैकेंसी में शिक्षा मित्रों को 40-45% का वेटेज दिया जाएगा कि 60-65 का वेटेज दिया जाएगा, इन सबको देखते हुए यह वैकेंसी निश्चित रूप से अपने एक दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां पर वैकेंसी का लगभग लंबा खींचना तय माना जा रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, 40-45 शिक्षा मित्रों का फैसला, किसी भी शिक्षा मित्र के लिए रामबाण साबित हो सकता है, लेकिन सामान्य जो छात्र हैं उनके लिए बहुत गंभीर समस्या शायद खड़ी होने वाली है। और सबसे पहले यह न्यूज़ हमारे चैनल ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।